महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के साथ ही पार्टियों की अंदरूनी कलह भी सरेआम हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तो हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लगभग कर दिया है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद से ही पार्टियों में एक घमासान मच गया है। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर के बीच गुटबाजी जगजाहिर है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद से अशोक तंवर के तेवर तलख हो गए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के घर 10 जनपद के बाहर अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और पार्टी नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। बीच चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच जारी कलह का असर 24 अक्टूबर को आने वाले नतीजों पर दिख सकता है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर का घेराव कर लिया। प्रदर्शनकारियों की शिकायत है कि उनकी पार्टी टिकट बांटने में कांग्रेस एनसीपी से आए नेताओं को तरजीह दे रही है। बीजेपी ने कांग्रेस एनसीपी से आए 12 नेताओं को टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी पर जातीय आधार पर भी भेदभाव करने का आरोप लग रहा है। वहीं मुंबई से सटे कल्याण में बीजेपी विधायक नरेंद्र पवार के नजदीकी 6 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कल्याण सीट बंटवारे में शिवसेना को दे दी गई है। इसी तरह की पुणे की सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के चुनाव लड़ने से शिवसैनिकों में बेहद नाराजगी है, जो कम से कम 2 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। पुणे में नाराज शिवसैनिकों ने 2 दिन पार्टी कार्यालय का ताला भी नहीं खोला है। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।